नमस्ते मित्रों, आज हम आए हैं गुजरात के नर्मदा वैली में और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो स्टेशन आपको दिख रहा है वो है केवड़िया स्टेशन, इसे केवड़िया कॉलोनी भी एरिया कहा जाता है। केवड़िया स्टेशन में हमारी ट्रेन एंटर हो रही है अर्ली इन द मॉर्निंग। और ये परिसर है स्टेशन के बाहर का, काफ़ी स्वच्छ साफ सुथरा स्टेशन। और ये जो व्यू पूरा दिख रहा है वो केवड़िया स्टेशन का है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का वर्चुअल वीडियो टूर। और ये टूर दो पार्ट में बनाई है। पहला पार्ट हम ऊपर जाने तक बनाएंगे, तो ऊपर पहुंचने के बाद ऊपर से व्यूइंग एंगल का दूसरा पार्ट। ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वालों ने प्रोवाइड की हुई बस। हम जो 380 रुपीज़ के टिकट लेते हैं उसमें इस बस का फेयर भी इंक्लूडेड है। एसी बस में बैठ के हम इस लोकेशन पे पहुंचते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास, जहां पे बस पार्किंग और बस स्टॉप है। और यहां से ये जो व्यू दिख रहा है, काफ़ी विशाल प्रतिमा ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जो सामने व्हाइट लाइन दिख रही है वो है कॉरिडोर, जिसके थ्रू पास होके हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाना है। जूम इन सरदार जी के क्लोजअप से लेके वाइड एंगल में सरदार जी की प्रतिमा को हम एक बार यहीं से देख लेते हैं, फिर उसके नज़दीक जाएंगे। काफ़ी दूर है हम, फिर भी एक विशाल प्रतिमा का हमें अनुभव होता है, इसकी विशालता महसूस होती है। ये जो पूरा एरिया है वो नर्मदा के तट पे बना हुआ है। सामने जो नर्मदा नदी दिख रही है और इस तरफ मेरे पीछे है वो नर्मदा का डैम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्टैचू है वो उन्हीं को फेसिंग है। और अब हम एंटर हो रहे हैं इनसाइड। हमने हमारी टिकट चेक करा दी है, जहाँ पे कैमरा उपयोग में नहीं ले सकते थे। फिर अंदर एंटर होते हैं ना, तब हमें व्हीलचेयर भी मिल सकती है, यानी जो नहीं चल सकते हो, जिन्हें चलने में तकलीफ हो, उम्र हो, उनके लिए यहाँ पे इजीली व्हीलचेयर्स अवेलेबल है। व्हीलचेयर में आप बैठ के अपने साथ अगर कोई हो तो पूरा ये व्यू देख सकते हैं। कॉरिडोर पैसेज के दोनों साइड काफ़ी अच्छे से ग्रीनरी मेंटेन की हुई है, लाइक अ गार्डनिंग, और काफ़ी एडवांस तरीके से बना हुआ ये कॉरिडोर भव्य और विशाल है। क्यूज़ में हम अंदर एंटर होते हैं। वैक्सीन के दो डोज की भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगती है। और ये हम आ गए हैं चेकिंग पॉइंट के पास के इस जो स्पॉट है, यहाँ से जो सामने भीड़ दिख रही है वहाँ पे लगेज एंड बैगेज चेक होता है। ऐसे तो कुछ भी बैग्स अलाउड नहीं है, अगर आप जाओ तो अपने साथ में कोई बैग मत रखना, मात्र छोटा पर्स या हैंडबैग में जो लेडीज लोगों की बैग होती है उन टाइप का छोटा पर्स अलाउड है अंदर, बाकी कोई खाने पीने की चीज़ अलाउड नहीं है। ये हम चेकिंग करा के अंदर चले गए। और ये जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा व्यू ऑफ द कॉरिडोर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, और ये एंट्रेंस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक का व्यू है। मेरे इस फर्स्ट पार्ट में मैंने एंट्रेंस होने यानी एंटर होने तक का वीडियो लिया हुआ है। सेकंड पार्ट में फ्रॉम द व्यूइंग गैलरी और इनसाइड ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का रिकॉर्डिंग किया हुआ है। तो बाहर से जो प्रतिमा दिख रही है काफ़ी ब्यूटीफुली ब्लू स्काई और सरदार जी की प्रतिमा। यहाँ पे हमें पानी ले जाने की छूट है, पानी की बोतल अगर आपके पास हो तो आप पानी ले जा सकते हो, वरना यहाँ से ये 50 रुपीज़ की इस बोतल लेके आप उसमें चाहे कितनी भी बार रिफिल करके ठंडा और फिल्टर वाटर भर सकते हैं। आरओ फिल्टर वाटर है ये। हमने भी एक बोतल परचेस कर ली फॉर द सोवेनियर ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और चलिए अब हम पानी पीने के बाद थोड़े फ्रेश हो गए हैं, धूप भी काफ़ी है, तो हम एंटर होते हैं इनसाइड ऑफ द स्टैच्यू। और एंटर होने के लिए भी काफ़ी एक्सेलेटर्स के साथ हमें ऊपर जाना पड़ता है, यानी कि तकरीबन 3 एक्सेलेटर है। तो ये जो सामने दिख रहा है वो एक्सेलेटर से हम ऊपर जाएंगे।
मेरा ये छोटा सा प्रयास है स्टैचू ऑफ यूनिटी को सभी के सभी दर्शकों की तरफ स्प्रेड करने का, कि आप घर पे बैठे भी इसे देख सकते हैं और अगर इच्छा हो तो यहाँ पे भी जा सकते हो। तो ये है व्यू फ्रॉम द फर्स्ट एस्केलेटर। ऊपर जाने के बाद नर्मदा वैली का एक विशाल व्यू दिखने लगता है जो मोबाइल में कम आता है, बट आप वहाँ आंखों से देखो तो अनबिलीवेबल एंड ब्यूटीफुल होता है। तकरीबन 7.25 मिनट का मैंने ये फर्स्ट पार्ट बनाया है। बहुत वीडियो लेंथी ना हो इसलिए मैंने इस विजिट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यह बैक साइड ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने का हिस्सा। चलिए अब हम और ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो या अच्छा लगा हो कि आपको और फ्यूचर में और कोई अच्छे वीडियो देखने हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और मेरी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना जिससे मुझे आपका एक प्यार और मोरल सपोर्ट मिलेगा। अब हम दूसरे एक्सेलेटर में ऊपर पहुंचे हैं और यहाँ पे हम ऊपर जाने के बाद मैं इस वीडियो को यहाँ पे विराम दूंगा। जल्द ही मिलेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के सेकंड पार्ट के साथ।